सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। वेस्ट इंडीज दौरे के लिए एमएसके प्रसाद की अध्यक्षता वाली सिलेक्शन कमेटी आज टीम इंडिया का चयन करेगी। बता दें कि भारत 3 अगस्त से वेस्ट इंडीज दौरा शुरू करेगा। भारत को इस दौरान 3 T20 इंटरनेशनल, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। 38 वर्षीय धोनी ने BCCI को सूचित किया है कि वह फिलहाल 2 महीने किसी भी तरह की क्रिकेट के लिए अनुपलब्ध रहेंगे। जी हां, धोनी अगले 2 महीनों के लिए पैरा सैन्य रेजिमेंट में शामिल हो रहे हैं। इससे यह साफ होता है कि धोनी टीम इंडिया के साथ वेस्ट इंडीज दौरे पर नहीं जाएंगे। सिलेक्शन मीटिंग में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर होगी कि वेस्ट इंडीज दौरे पर धोनी की जगह विकेट कीपर बल्लेबाज कौन होंगे। ऐसे में तय है कि ऋषभ पंत विंडीज जाएंगे, लेकिन दूसरे विकेट कीपर को लेकर 2-3 नामों पर चर्चा हो सकती है। इनमें संजू सैमसन और ईशान किशन का नाम प्रमुख है। नंबर 1, ऋषभ पंत। जी हां, ऋषभ पंत को धोनी का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। पंत को वेस्ट इंडीज दौरे के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया में शामिल किए जाने की पूरी संभावना है। ऋषभ पंत को नंबर 4 पर फिर आजमाया जा सकता है। जी हां, अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर चयनकर्ता युवा ऋषभ पंत को मौका दे सकते हैं, जिन्हें धोनी का वारिस माना जा रहा है। नंबर 2, ईशान किशन। जी हां, ईशान किशन फिलहाल वेस्ट इंडीज दौरे पर चल रही 5 मैचों की अनौपचारिक वनडे सीरीज में भारत ए टीम का हिस्सा है। महेंद्र सिंह धोनी की जगह ईशान किशन को वेस्ट इंडीज दौरे के लिए घोषित होने वाली टीम इंडिया में जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ऋषभ पंत अभी पसंदीदा विकेट कीपर हैं, लेकिन किशन का नाम भी चयनकर्ताओं के जहन में है और युवा खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी के दम पर टीम में जगह बनाने की क्षमता भी रखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मुंबई इंडियंस के साथ खेलते हुए ईशान किशन की बल्लेबाजी में बहुत सुधार हुआ है और भारत टीम में उन्हें चुनकर चयनकर्ताओं ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वह उनकी भविष्य की योजनाओं का एक हिस्सा है। नंबर 3, संजू सैमसन। जी हां, भारत के पास संजू सैमसन जैसे विकेट कीपर बल्लेबाज मौजूद हैं, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन किया है। संजू सैमसन की प्रतिभा ने चयनकर्ताओं को भी प्रभावित किया है। जी हां, तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाज संजू सैमसन ने 17 साल की उम्र में विदर्भ के खिलाफ प्रथम श्रेणी में शुरुआत की। उन्हें लंबे समय तक धोनी का उत्तराधिकारी माना जा रहा था, लेकिन घरेलू क्रिकेट और IPL में उनके लगातार खराब प्रदर्शन ने ऋषभ पंत को मौका दे दिया। जी हां, संजू सैमसन का प्रथम श्रेणी क्रिकेट में औसत 36 है और उनकी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं करता है। हालांकि IPL में हाल ही में उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।